हेलो स्टूडेंट्स, आपके न्यूमेरिकल चल रहे हैं, मोलरिटी मोलिटी बेस्ड जो न्यूमेरिकल हैं, तो बताया था मैंने एक्सरसाइज के वो न्यूमेरिकल करा दूंगा जो थोड़े टिपिकल हैं। इसमें से एक न्यूमेरिकल देखिएगा आप, 2.6 देखा, हाउ मैनी ml ऑफ 0.1 mHcl आर रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कम्प्लीटली विद 1 ग्राम मिक्सचर ऑफ सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट कंटेनिंग इक्वामोलर अमाउंट ऑफ बोथ। सोडियम कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट का 1 ग्राम का मिक्सचर है और उससे अगर रिएक्शन कराते हैं सिलिक तो 0.1 mHcl लगता है। पूछ रहा है कि इसका कितने ml लगेंगे, यानी कि केवल मोलरिटी दे रखी है, ml निकालना है, वॉल्यूम निकालनी है। अगर हमें HCl का मास पता लग जाए कितना लग रहा है इन दोनों से रिएक्शन करने में, तो हम मोलरिटी सॉरी वॉल्यूम आसानी से निकाल सकते हैं। तो पहले मास देख लेते हैं कितना लग रहा है। सोडियम कार्बोनेट के साथ अलग रिएक्शन करेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ अलग रिएक्शन करेगा। दोनों रिएक्शन देख लेते हैं। पहले सोडियम कार्बोनेट के साथ Na2CO3 प्लस HCl रिएक्शन करके बनाएगा NaCl प्लस CO2 और प्लस H2। इसका मोलर मास निकालने में कितना आएगा मोलर मास इसका, 106। और HCl का इसको बैलेंस भी हमको करना होगा, ध्यान रखना Na के 2 हैं तो यहाँ पर 2 बना लेंगे और Cl के 2 हो गए 2 कर लेंगे, H के 2 2 ऑलरेडी हो चुके हैं। HCl का जो मोलर मास होता है 36.5 होता है, 2 मोल लग रहे हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करके आ जाएगा ये 73। मीन्स 106 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट विल बी रिएक्ट टू 73 ग्राम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब दूसरी रिएक्शन देख लेते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ NaHCO3 प्लस HCl रिएक्शन करके इसके साथ बनेगा NaCl प्लस CO2 और प्लस H2O। इक्वेशन बैलेंस है तो बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ से मोलर मास निकाल लेंगे। सोडियम बाइकार्बोनेट का मोलर मास होता है 84 और HCl का होता है 36.5। मीन्स सोडियम बाइकार्बोनेट के 84 ग्राम्स HCl के 36.5 ग्राम से रिएक्शन करेंगे। अब देख लेंगे कि जो पूरा मिक्सचर है सोडियम कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट का, पूरा मिक्सचर कितने HCl के साथ रिएक्शन करता है। तो पहले निकाल लेंगे मास ऑफ मिक्सचर इक्वल टू होगा सोडियम कार्बोनेट कितना लगा था 106 ग्राम प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट कितना लगा था 84 ग्राम, और दोनों को ऐड करके आ जाएगा 190 ग्राम। ऐसे ही अब इसके साथ कितना HCl रिएक्शन करता है, तो रिक्वायर्ड HCl का मास हो जाएगा 73 ग्राम तो यहाँ लगे हैं और प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ लगे 36.5 ग्राम। इसको ऐड करके आ जाता है 109.5 ग्राम। तो अब हम समझ गए कि यहाँ 190 ग्राम मिक्सचर के साथ जो HCl का ग्राम लगता है, HCl का जो मास लगता है वो होता है 109.5 ग्राम। क्वेश्चन में इन्होंने कहा है कि मिक्सचर हमारे पास केवल 1 ग्राम है, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मास ऑफ मिक्सचर इक्वल टू 1 ग्राम। तो 1 ग्राम के साथ देखना है कितना HCl लगेगा, यानी कि 190 ग्राम मिक्सचर के साथ तो लगता है 109.5 ग्राम HCl का, और निकालना कितने के साथ है 1 ग्राम के साथ कितना लगेगा, तो ये हो जाएगा 109.5 मल्टीप्लाई 1 और बाय में 190 ग्राम। इसको कैलकुलेशन करके आ जाता है 0.576 ग्राम। HCl का जो है हमको मास पता लग चुका है कि HCl का कितना मास 1 ग्राम मिक्सचर के साथ रिएक्शन करेगा, वो है 0.576 ग्राम। बस मास पता लगा, अब निकालना क्या है हमको इसका वॉल्यूम। मोलरिटी दी हुई है, मोलरिटी का फॉर्मूला है मोलरिटी इज इक्वल टू मास बाय मोलर मास मल्टीप्लाई वॉल्यूम मल्टीप्लाई 1000। निकालना क्या है हमको वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इधर ले जाएंगे, फॉर्मूला हो जाएगा वॉल्यूम वी इक्वल टू मास बाय मोलर मास मल्टीप्लाई मोलरिटी मल्टीप्लाई 1000 इक्वल टू
मास कितना लग रहा है इसका, 0.576 बाई में मोलर मास कितना होता है HCl का, 36.5 मल्टीप्लाई मोलरिटी, इन्होंने क्वेश्चन में दिया 0.1 और मल्टीप्लाई 1000, इसको कैलकुलेट कर लेना आंसर आ जाएगा आपका कितना वॉल्यूम लगेगा HCl का। नेक्स्ट क्वेश्चन लेना है आपको 2.9, अ सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर वॉज फाउंड टू बी सेवरली कंटामिनेटेड टू क्लोरोफॉर्म सपोज टू बी अ कार्सिनोजन, द लेवल ऑफ कंटामिनेशन वॉज 15 ppm, ppm कंसंट्रेशन दी है, फर्स्ट पूछ रहा है कि एक्सप्रेस दिस इन परसेंट बाई मास, यानी कि मास परसेंटेज इसकी निकालनी है, फर्स्ट निकालते हैं मास परसेंटेज। इन्होंने कितना दिया है क्वेश्चन में, 15 ppm कंसेंट्रेशन दी है, 15 ppm, और इसको हमें कन्वर्ट करना है मास परसेंटेज में। 15 ppm का मतलब होता है 10^6 ग्राम में 15 ग्राम सॉल्यूट के हैं, क्लोरोफॉर्म के 15 ग्राम डिजोल्व हैं 10^6 ग्राम में, 6 ग्राम में, तो 10^6 ग्राम अगर आपका सॉल्यूशन है तो उसमें कितना है 15, और निकालना क्या है हमको मास परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब 100 में निकालना है, तो 100 में कितना होगा, मींस 15 × 100 और बाई हो जाएगा 10^6, और ये कैलकुलेट करके आ जाता है 1.5 × 10^-3, तो फर्स्ट का आंसर तो ये हुआ। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सेकंड में पूछ रहा है वो डिटरमाइन द मोलैलिटी ऑफ क्लोरोफॉर्म इन वाटर सैंपल, तो मोलैलिटी पता करनी है, मोलैलिटी का फॉर्मूला हो जाता है मोलैलिटी इज इक्वल टू मास बाई मोलर मास और मल्टीप्लाई मास ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाई 1000। अब मोलैलिटी निकालनी है हमको, मास कितना लगा है इसका, यहाँ लगा है मास 1.5 × 10^-3 क्लोरोफॉर्म का मास होगा जो डिजोल्व है बाय में, क्लोरोफॉर्म का मोलर मास कितना आ जाता है आप इसको निकाल लीजिएगा, वन आएगा 119 मल्टीप्लाई मास ऑफ सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट का मास तो हमारे पास नहीं है लेकिन सॉल्यूशन का है 100 ग्राम, सॉल्वेंट का मास निकालना तो सॉल्यूशन के मास में से सॉल्यूट का मास माइनस कर देंगे, लेकिन सॉल्यूट का मास देखिए कितना कम है तो इसको हम इग्नोर कर सकते हैं, यानी कि सॉल्यूशन के मास को हम सॉल्वेंट का मास मान लेंगे, तो 100 नीचे होगा मल्टीप्लाई 1000, इसको कैलकुलेशन इसकी कर लेना कैलकुलेट करके आ जाएगा आपकी मोलारिटी ऑफ क्लोरोफॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है आपको 2.29, नेलाफ्रीन सिमिलर टू द मॉर्फिन, नेलाफ्रीन का फॉर्मूला इसमें दिया है बेटा, मोलर मास निकालने में यूज कर लेना उसको, इज यूज टू कॉम्बैट विदड्रॉल सिम्टम्स इन नार्कोटिक यूज, डोज ऑफ नेलाफ्रीन जनरली गिवन इज 1.5 mg, मास दे दिया है नेलाफ्रीन का, W इज इक्वल टू ये दिया है 1.5 mg, अच्छा इसके बाद का है कैलकुलेट द मास ऑफ 1.5 × 10^-3 एम एक्वा सोल्यूशन, मोलैलिटी भी दे दी है सोल्यूशन की, मोलैलिटी एम इज इक्वल टू 1.5 × 10^-3। अब इस सोल्यूशन का मास पूछ रहा है कितना मास लगेगा एक डोज के लिए, अच्छा यहाँ पर जो मास है वो मिलीग्राम में दिया है, इसको भी ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे, इक्वल टू हो जाएगा 1.5 × 10^-3 जब इसको ग्राम में कन्वर्ट करते हैं। अब हमको निकालना है पहले मास ऑफ सॉल्वेंट, उसके बाद निकाल लेंगे मास ऑफ सॉल्यूशन, तो सॉल्वेंट का मास निकालने के लिए फॉर्मूला हमारे पास मोलैलिटी का लगाएंगे, मोलैलिटी इक्वल टू होता है मास बाई मोलर मास मल्टीप्लाई कैपिटल W मल्टीप्लाई 1000, मोलैलिटी कितना दिया है 1.5 × 10^-3 इजकल टू मास कितना दिया है 1.5 × 10^-3 ये मास दिया है इसने बाय में, नेलाफ्रीन का जो मोलर मास आता है उसको आप निकाल लेंगे इसमें से आएगा 311 और कैपिटल W हमको नहीं पता है मल्टीप्लाई 1000, इससे कैंसिल हो जाता है, कैपिटल W इजकल टू आ जाएगा 1000/311 और इसको कैलकुलेट करके आ जाता है 3.21, ये मास किसका पता लगा सॉल्वेंट का, और हमको किसका मास निकालना है सॉल्यूशन का, तो सॉल्यूशन का जो मास होगा W डैश मान लो उसको, इजकल टू क्या होगा मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सॉल्यूट,
मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 3.21 प्लस मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 1.5 मल्टीप्लाई 10^-3, इतना कम है कि इसको इग्नोर किया जा सकता है, यानी कि सॉल्यूशन का मास जो होगा वो 3.21 ग्राम भी आ जाएगा। यही आपका हो जाएगा आंसर। तो बेटा इसमें बस इतने ही न्यूमेरिकल थे जो मोलरिटी पर बेस रहे, बाकी जो न्यूमेरिकल हैं वो सिंपल वाले हैं, वो आप खुद से कर लेना ढूंढ करके कौन कौन से मोलरिटी के। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपके जो न्यूमेरिकल होंगे वो वेपर प्रेशर पर बेस होंगे।